स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं भी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जो कि अपना गैस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। देखो, आपने बेसिक सारी चीजें पढ़ ली, जो आप मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन 5 से 6 नंबर का टोटल सीबीएसई पूछता है, और 5 से 6 में जो 2 से 3 नंबर का पार्ट होता है, जैसे कंसेंट्रेशन टर्म, एंड्री लो और ग्राउट लो, वो आप लोग डील कर चुके हो। जो आपका 3 नंबर का पार्ट रहता है, 3 नंबर जैसे जितनी भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज, उन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज से 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है। कई बार थ्योरेटिकल पूछता है, कई बार क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है। यहाँ से हर साल 2 नंबर का न्यूमेरिकल तो है। यदि आपको सारी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी, 4 क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, 4ों के फॉर्मूले आपको रिलेट करने आते हैं, हर किसी फॉर्मूले में क्या क्या टर्म यूज हो रही है, उस टर्म का मतलब आपको क्लियर है, तब आपको 3 नंबर कर पाओगे। तो पहले हम लोग बेसिक जितनी भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उनके फॉर्मूले क्या होंगे, उनका मतलब क्या है, कल हम लोग उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सर? क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे। जैसे आपके पास सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट थे, 1 इज सोल्यूट, अनदर 1 इज सॉल्वेंट। तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, बट उसकी नेचर पे डिपेंड ना करे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर क्या है उस पर डिपेंड ना करे। तो उनको आप लोग क्या कह सकते हो? क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसे अपने पास 4 टाइप्स की क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। कितने टाइप्स की पढ़ते हैं? 4। इसमें फर्स्ट आता है आपका रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसकी बात करेंगे हम लोग सॉल्वेंट। लाइक आप कोई भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट या नॉन वोलेटाइल क्या ऐड कर रहे हो? सॉल्यूट ऐड करोगे। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ, मतलब रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग डील करेंगे। सेकेंड में कहता हूं सर, एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करते हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? तो यहां पे मैं लिखता हूं एलिमिनेशन। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही क्या होगा? एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा वो चेक करेंगे। उसके बाद थर्ड में कहता हूं डिप्रेशन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लाइक आप क्या करते हो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है? मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है? माइनस में जाता है। जैसे मान लो सॉल्वेंट का स्टार्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0°C। आपने जैसे क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट मिला वो किस में मिलता है? जैसे कंसीडर करेंगे आपको माइनस में मिला, -1, -2, -3। तो वहां पे आपको क्या मिला कि डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिप्रेस हो गया, कम हो गया। उसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी अपने पास आएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आप बेसिक चीजें पढ़ोगे, लाइक ऑस्मोसिस क्या होता है। जैसे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम लोग उस प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को नाम दे दिया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी में आपका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो कि आपने कुछ परसेंट दिया बायोलॉजी की हो तो आपने बायोलॉजी में भी स्टडी किया, अलग अलग टाइप के कंसेप्ट, आइसो, हाइपो और हाइपो, अलग अलग टाइप के आप सॉल्यूशन पढ़ते हो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं अभी, क्या? रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी बात करते हैं रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि मैं आपको राउट्स ला इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूं कि आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो तो क्या होगा। जैसे मैंने क्या कह दिया, आपके पास एक वोलेटाइल क्या है? सॉल्वेंट। क्या आपके पास वोलेटाइल? सॉल्वेंट। ये आपके पास सॉल्वेंट है, एक कंपोनेंट, ये क्या आपका सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट कैसा है सर? सॉल्वेंट है आपका वोलेटाइल। कैसा है? अभी वोलेटाइल। और वोलेटाइल का मतलब क्या सर? कि वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू वेपर। अब आप इसमें ऐड क्या कर रहे हो? एक बी कंपोनेंट ऐड कर रहा हूं जो कि क्या आपका नॉन वोलेटाइल। कैसा है? नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल क्या ले रहा हूं यहां पे? आपका सॉल्यूट। जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
अंदर, तो कुछ पार्ट या कुछ सरफेस आप बेसिकली चेक करो, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में भी मान लो प्योर था, आपके पास सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्यूट आपने ऐड नहीं किया, तो जो सरफेस पे पार्टिकल होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। और जो वेपर प्रेशर अराइज होगा सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सॉल्वेंट की वजह से आएगा, जिसको आपने नाम दिया था क्या, वी नॉट ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जिसको आप कहते थे। अब मैं कहता हूं कि जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने क्या किया, सॉल्वेंट के पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया। अरे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया ना, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से इफेक्ट क्या है सर, सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल किसने हटा दिए थे, सॉल्यूट ने हटा दिए। और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो वेपर में चेंज नहीं होगा, और वेपर में चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ वेपर्स क्या आएंगे, लेस। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसको मैं कहता हूँ रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अब कितना घटा, कितना कम हुआ, वो आपने डील किया था, जैसे आपने डील किया, जैसे कल मैं कहता था कि टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैं निकालता था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप बात करते थे, तो किसके बराबर आएगा, पी ए सर प्लस पी बी, जो पार्शियल जो वेपर प्रेशर आता है किसका, इस ए कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, और जो वेपर प्रेशर आता है किसका, बी कंपोनेंट का इन दी सॉल्यूशन में। अब मैं कहता हूं सर बी कंपोनेंट जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसकी वजह से जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन में वो क्या मिलेगा आपको, जीरो। और आपने कहा सर प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है वही किसके बराबर आया आपका, पी ए के बराबर, सॉल्यूशन का जो प्रेशर आता है वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, वो क्या आपका, सॉल्वेंट। अब आप देखो कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स ला क्या कहता था, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एन कंपोनेंट, कोई भी आपके पास कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जैसे ए का पार्शियल प्रेशर लेता हूं तो मोल फ्रैक्शन की आप एक ही होगी, बी का पार्शियल प्रेशर लेता हूं तो मोल फ्रैक्शन भी किसका लूंगा, बी का लूंगा। तो यहां पे आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स ला पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। प्रोपोर्शनलिटी निशान हटाता हूं तो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट के एक्स ए। आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने यहां पे इसको पी एस इज इक्वल टू क्या रखा, पी नॉट के क्या रखता हूं, एक्स ए, क्या रखता हूं, पी नॉट ए एक्स ए। जैसे आपने इसको फर्दर सॉल्व किया एक्स ए प्लस एक्स बी डील कर चुके हैं भैया, तो एक्स ए किसके बराबर आया, वन माइनस एक्स बी। आपने पूरा पुट किया, कंप्लीट पुट करने के बाद आपके पास क्या आया था, p नॉट a माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट a इक्वल टू एक्स बी, इतना आपने चेक किया, यानी इस क्वांटिटी को आपने नाम दे दिया था क्या, रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या नाम दिया था अभी, रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब p नॉट a का मतलब क्या। मैं आप कभी भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको प्रॉपर मतलब बताऊंगा P not A क्या है सर, PS क्या है, P not A क्या है, क्योंकि वो आपको numerical में लिख के देगा कि partial vapor pressure of pure component है, या component भी आपको देखना आना चाहिए कि solute क्या है या फिर solvent क्या है। यदि आपको कहेगा कि C, जैसे कहता है कि आपको CCl4 benzene ऐसे करके आपको लिख दिया, तो benzene का vapor pressure आपको दे दिया, CCl4 का vapor pressure आपको दे दिया, आप confused हो गया सर इसमें सॉल्यूट क्या लूं या फिर सॉल्वेंट क्या लूं, तो यहाँ पे बेंजीन आपका क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, सॉल्वेंट, ऐसे आपको डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसी से आपका पी नॉट डी है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और प्योर कंपोनेंट में भी कौन सा सर, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। पी एस क्या आपका टोटल प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन, एक्स जी क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे आपने कहा था जल्दी कि रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका बराबर आता है इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब सर जितना ज्यादा आप अमाउंट सॉल्यूट का बढ़ाते जाओगे इस सॉल्वेंट में, जितना ज्यादा अमाउंट में किसका बढ़ाता जाऊं, सॉल्यूट का बढ़ाता जाऊं, तो आपका जो वेपर प्रेशर है उतना कम होता रहेगा। क्यों कम होता रहेगा सर, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल को रिप्लेस करते रहेंगे, और नंबर ऑफ वेपर्स कम होते रहेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता था, यदि आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, इस फॉर्मूले को फर्दर एक्सटेंड करते हैं, तो आपने ऐसी स्टडी किया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आप निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालता था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मैंने
लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब सॉल्यूट की डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब Na प्लस Nb, Na प्लस Nb क्या होता है, N टोटल लिख सकता हूँ मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने कंपोनेंट होंगे उनके हम लोग ऐड करते हैं। बट हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, दो कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसलिए ए एंड बी, वन इज सॉल्यूट अनदर वन इज सॉल्वेंट। ए किसके लिए यूज कर रहा हूँ फॉर सॉल्वेंट, बी यूज कर रहा हूँ फॉर सॉल्यूट। अब देखो ये कंडीशन आपके पास आ जाती है, यदि मैं आपको कहूँ कि इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करता हूँ, जो कि बेसिकली अपने पास डाइल्यूट ही होते हैं जितने भी तकरीबन हम लोग सॉल्यूशन डील करते हैं, यदि मैं आपको कहता हूँ इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको ज्यादा मिलेगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के अमाउंट से क्या हो ज्यादा। तो यहां पे आपने कहा सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या आपका सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बढ़ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, तो डिनोमिनेटर से मैं क्या करता हूं, एनपी को हटा सकता हूं, नेगलेक्ट कर सकता हूं, तो आपके पास क्या आएगा xb इक्वल टू nb डिवाइड बाय nb, और nb क्या है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, nb क्या है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्यूट, nb क्या है वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्यूट, nb क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा Na क्या आएगा सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी वेटिंग ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा Wb डिवाइड बाय Mb इनटू Wa, ऊपर क्या आ जाएगा Mb, इस चीज को उठा के वहां पुट कर दो। अरे xd की जगह रख सकता हूं ना, यदि आप इस चीज को मैं xd की जगह पुट करता हूं तो कुछ आएगा क्या आया, जो आपके पास रिलेटिव लॉगरिथमिक इन वेपर प्रेशर वो आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के साथ रिलेट कर पाए, किसके साथ रिलेट कर पाया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो आपने कहा सर पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए इक्वल आया सर डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर क्या आ जाएगा एम ए। अब यहाँ पे हर क्रम को आप एक बार डिफाइन कर दो, पी नॉट ए क्या था सर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ये क्या है सर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, Wb क्या है सर Wb यहां पे आपका मास या फिर वेट, मास या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट इसमें इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। Mb क्या है सर ये आपको मतलब बताना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, तो आपको गिवन देखना नहीं है और गिवन देखना नहीं है तो न्यूमेरिकल हो गया, तो Mb क्या है सर यहाँ पे Mb है मॉलिकुलर मास या फिर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, Wa क्या है सर Wa क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें इन ग्राम, Ma क्या है सर मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे अपने पास साइड क्रम आता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर न्यूमेरिकल पूछेगा तो किस फॉर्मेट में पूछ सकता है और क्या क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, यदि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे आगे आएंगे अभी हम नहीं तो हम लोग बाद में वेंटो फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे बट अभी नहीं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो अराइज आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछता है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देता है, मास ऑफ सॉल्यूट देता है, मास ऑफ सॉल्वेंट देता है और कहता है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया, या फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि P नॉट A माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट A, कहता है कि रिलेटिव लॉगरिथमिक इन वेपर प्रेशर क्या होगा यदि X अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया जाए Y अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ये तो पूछा है रिलेटिव लॉगरिथमिक ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। अच्छा और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है सर, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना मास रिक्वायर्ड होगा कि उसका रिलेटिव लॉगरिथमिक ऑफ वेपर प्रेशर इतना हो गया, मैं कहता हूं कि उसका रिलेटिव लॉगरिथमिक ऑफ वेपर प्रेशर इतना हो गया उसके लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना चाहिए,
एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या फिर आपको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या देगा, सॉल्वेंट प्योर कंपोनेंट का देगा, और फिर भी पूछ सकता है क्या मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की मास आपको दे रखा है, जैसे आपको कोई कंपाउंड दे देगा जो आपको नहीं पता, जैसे जीन फ्रेगमेंट आपको दे दिया, ऐसे लिख के दे देगा, जीन फ्रेगमेंट का कंपाउंड का फॉर्मूला उसने नहीं दिया, सिंपल लिख के दे दिया जीन फ्रेगमेंट, और कहेगा कि जीन फ्रेगमेंट का मास इतना है और उसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ इतने मास ऑफ सॉल्वेंट में, और उसका प्रेशर स्टार्टिंग इतना था बाद में इतना हो जाता है, तो मॉलिकुलर मास ऑफ जीन फ्रेगमेंट मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि जीन फ्रेगमेंट का मॉलिकुलर मास क्या होगा। तो ये आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको हर टर्म का मतलब समझ आ गया, आपको हर टर्म को अप्लाई करना आ गया, तो सारे क्वेश्चन हो गए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि चार टाइप के क्वेश्चन पूछता है और चारों टाइप के आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये आपके यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो ब्रेक डाउन ना हो इनटू सॉल्यूशन, लाइक कैटायन और एनायन में वो ब्रेक डाउन ना हो, जैसे आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया और ऐड करने के बाद वो किसी में ब्रेक डाउन हुआ इनटू कैटायन एंड एनायन, तो कैसे हुए आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपको ऐसा लिखा मिलेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे आपको देगा या आपको शुगर दे दे, जितने भी हम लोग केस लेंगे सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग बाद में डील करेंगे। जैसे आपको क्या दे दे, शुगर देगा, आपको लिख के देगा ऐसे यूरिया दे देगा, लिख के क्या दे देगा यूरिया दे देगा, आपको लिख के दे देगा जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, ऐसे आपको लिख के दे देगा जीन फ्रेगमेंट लिख के दे देगा, या फिर सीधा मेंशन कर देगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, कैसा है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है कि कब कौन सी टर्म यूज करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट, क्या आएगा सॉल्वेंट, तो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपने पास। अच्छा देखो इसको प्रूफ करना है कि सर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, यदि मैं इसको वेरीफाई करूं कि सर आपने कहा कि रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और आपने ये भी बताया सर कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में डिपेंड करती है, बट नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में डिपेंड ना करे, इस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट किस पे डिपेंड ना करे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब यहां पे आप चेक करो कि आपका अमाउंट और रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली रिलेट करते हैं, अमाउंट और जो रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या करता है डायरेक्टली करता है, मतलब मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाता जाऊं, क्या बढ़ाता जाऊं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाता जाऊं, रिलेटिव लॉबिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब सर कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते गए, पार्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, पार्टिकल्स में भी एटम हो सकता है सर, मे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और मे भी क्या हो सकते हैं आयन, आपने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ाते गए तो वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती गई बढ़ती गई, इसलिए आप उसको क्या कह सकते हो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट उसकी नेचर, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा देखो आप क्या करो, सॉल्वेंट ये कहता है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अच्छा इस प्रॉपर्टी को बढ़ने से पहले आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, देखो कहीं भी आप किसी सब्सटेंस को बॉइल कर दो, हालांकि आपने लोअर क्लासेस 9 से 10th में आपने क्या पढ़ा कि कभी भी लिक्विड पार्टिकल गैसेस पार्टिकल में चेंज हो जाए या फिर लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए उसी टेम्परेचर को आप कह देते हो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आप डिफाइन करते थे कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड पार्टिकल चेंज इनटू गैसेस पार्टिकल एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपने नाम दे दिया क्या बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो सेम उसी चीज को मैं क्या कहता हूँ कि जब आप गैसेस लिक्विड पार्टिकल को गैसेस में चेंज कर रहे हो वेपर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं
और पेपर से कुछ ना कुछ क्या राइज हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है, क्या राइज हो रहा है, प्रेशर। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉइलिंग पॉइंट क्या है सर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यदि इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक क्या अपना 180 है, कितना है 180 है। मैंने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको आप क्या नाम दोगे, बॉइलिंग, क्या दूंगा भी, बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो इसी चीज को मैं रिलेट करता हूं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपका टेम्परेचर के साथ रिलेट होता है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तभी आपका लिक्विड किस में चेंज होता है, इनटू गैस, टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में। आप देखो इसी चीज को आप एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा ग्राफ के साथ, मैं ग्राफ से पहले आप वैसे समझो कि आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए और कंपोनेंट ए क्या आपका सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कैसा था सर, वोलेटाइल, कैसा था, वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब इजीली चेंज इनटू गैस। अब आपने क्या किया, आपने ऐड कर दिया बी कंपोनेंट, और बी कंपोनेंट कैसा है सर, नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल जिसको मैं कहता हूँ क्या, सोल्यूट, क्या कह रहा हूँ मैं, सोल्यूट। अब जैसे आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, तो सोल्यूट पार्टिकल के बीच में आप ऐसे कह सकते हो कि जब वो वेपर में इजिली चेंज नहीं हो रहा, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग रहा होगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए, वेपर में चेंज करने के लिए आपको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, क्या देना पड़ेगा, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड पार्टिकल चेंज इनटू गैसेस, तो वहां पे आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कब, जब आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हैं, और इसलिए आपने इसको नाम दे दिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, कब, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, क्लियर है। अब देखो मैं रिलेट करता हूं ग्राफ से, मैं कहता हूं इधर आपके पास वेपर प्रेशर है, क्या भी वेपर प्रेशर, और इधर मैं क्या ले रहा हूं, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स आप तोड़ रहे हो, और अट्रैक्शन फोर्स तोड़ के आप उसको वेपर में चेंज कर रहे हो, तभी क्या आएगा, वेपर प्रेशर आएगा। और इधर मैं कह रहा हूँ कि कहीं जाके यहाँ आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइक 180 हम लोग डील कर रहे हैं, यहाँ पे आती है आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बॉइलिंग, कोई भी सब्सटेंस बॉइल का होता है सर, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है, वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, तो क्या होगा, लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। देखो समझते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे आपके पास मान लो सॉल्वेंट था प्योर, और उस सॉल्वेंट के लिए मैं ज़ूम करता हूँ कि टेम्परेचर इतना था कि इस टेम्परेचर पे वो आपके बॉयल हो जाता था, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, क्या भी, सॉल्वेंट। जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया सॉल्वेंट को, आप टेम्परेचर दे रहे हो, बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, और एक कंडीशन ऐसी आई, एक कंडीशन कैसी आई, ऐसी आई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर, तो लिक्विड क्या हो गया, आपका बॉयल हो गया। तो इस कंडीशन को मैं कह रहा हूँ क्या, सॉल्वेंट, क्या कह रहा हूँ, सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर यहाँ आपको दिख रहा है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ क्या, टीबी नॉट, क्या नाम दे रहा हूँ, टीबी नॉट। और टीबी नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अरे प्योर सॉल्वेंट को बॉइल कर रहे हो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, तो टीबी, यहाँ पे आते ही वो बॉइल हो गया, तो क्या नाम दीजिएगा, टीबी नॉट। और टीबी नॉट क्या आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद मैं क्या करता हूं, आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया, सॉल्वेंट में किसको मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो, समझना, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला, मैं ऐसे कहता हूं कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी उसका जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप उसको बॉइल कर दो, यानी वेपर प्रेशर जहां पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मिलेंगे,
तो उसके लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा या कम? ज्यादा। तो मैंने स्टार्टिंग टेम्परेचर कहा कि मान लो आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो बाद में कितना हो गया सर, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। या वैसे कहो कि स्टार्टिंग में आपके पास जो प्योर वाटर था वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होता था, तो ये आपका कितने पे बॉइल होगा, 110 डिग्री। मतलब एक डिग्री क्यों ना बढ़े बट बढ़ा, एलिवेट हुआ। क्यों एलिवेट हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है और अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना है और लिक्विड को वेपर में बदलना और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर को बराबर ले लिया है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इसको मैं कह रहा हूं क्या सॉल्यूशन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जब आपका टीबी था, टीबी नॉट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट या सॉल्वेंट, तो यहाँ इसको मैं कह देता हूँ क्या टीबी, क्या कह रहा हूँ टीबी, और टीबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी की क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, कितना चेंज हुआ, कितना एलिवेट हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो आप उसी को कहोगे ना सर, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। अब सॉल्यूट पार्टिकल आप डालते जा रहे हो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया वो मेजर मुझे करना है, कितना सॉल्यूट आपने ऐड किया, कितना एलिवेशन हुआ वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो कैसे कि मैं ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को मेजर कर लूं कि स्टार्टिंग टेम्परेचर इतने टेम्परेचर में बॉइल हो रहा था, बाद में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ला दिया तो इतने टेम्परेचर में बॉइल हो गया, तो इसी को मैं कह देता हूं डेल्टा टी बी, और जिसको आप लोग नाम देते हो क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या नाम दिया जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सर डेल्टा टी बी जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, इक्वल आएगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर मींस टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस क्या आएगा टीबी नॉट। क्लियर है? टीबी क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? आप देखो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली आप चेक करते हो सर, एक्सपेरिमेंटली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटली हम लोग बात करते हैं। यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन आप लेते हो सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी, क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको मैं कहता हूं क्या डेल्टा टी बी, वो डायरेक्टली रिलेट करता है मोलैरिटी के साथ। यानी मैं केबी क्या कब बोल सकता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि सर केबी को डिफाइन करना है, तो जब आपकी मोलैरिटी इक्वल टू 1 मोलर हो जाए, और 1 मोलर का मतलब क्या, मोलैरिटी का मतलब क्या, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केबी, ये मैं यूज करता हूँ। अब मैं कहता हूं कि 1 मोल सोल्यूट, थोड़ा सा समझना, मैंने लिखा कि 1 मोल सोल्यूट यदि मैं डिजोल्व करता हूं, 1 मोल सोल्यूट यदि मैं डिजोल्व करता हूं 1 केजी सॉल्वेंट में, मैंने लिखा कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो उस सॉल्यूशन को मैं कह देता हूं 1 मोलर, क्योंकि मोलैरिटी कितनी है 1, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है मोल, तो उस टाइप का सॉल्यूशन आपका कैसा हुआ 1 मोलर, कैसा हुआ 1 मोलर। क्लियर है? अब देखो फॉर 1 सॉल्वेंट डिफाइन करना चाहता हूं, यदि आपकी मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसके बराबर आता है केबी, और मोलर एलिवेशन
मोलर एलिवेशन और कांस्टेंट आप नाम ही दे रहे हो, तो नाम क्या हो जाएगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बेटा नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आपका के बी है, पहले इसको डिफाइन कर दो, तो के बी क्या आपका मोलर फॉर वन मोल डिजोल्व इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी को नाम भी दिया जाता है इब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम दे दिया जाता है? इब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर? अब एक बार पूछा गया है कि डिफाइन दी इब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। क्या क्या डिफाइन करोगे? कि व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वही आपका क्या कहलाता है? इब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है, क्लियर? अब देखो मोलिनिटी को फॉर्मूला बनाओ, यहां से मोलिनिटी किसके बराबर आई थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर थे सर? वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे तो आएगा। यहां से आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, कैसे फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा कि डेल्टा टी मोलिनिटी, मोलिनिटी निकाला, तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाई क्या आएगा? एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर क्या ले रहा हूँ? थाउजेंड, ये ग्राम में ले रहा हूँ। डब्ल्यू ए क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू सी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर? वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है सर? डेल्टा डी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा डी बी, आप बार बार इसे बोलो, नहीं तो डेल्टा डी बी याद रहेगा, इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड डिवाइड बाय एम डी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, इन ग्राम क्योंकि ऊपर थाउजेंड मल्टीपल किया है, यहां से आपके पास फॉर्मूला है। और डेल्टा डी बी किसके बराबर था? टी बी माइनस, हम इसको ऐसे लिख लो, टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू डेल्टा टी बी, क्लियर? अगर देखो यहाँ पे आपने एक चीज मिस कर दी है कि यदि मैं केबी की यूनिट निकालना चाहता हूँ, केबी की क्या निकालना चाहता हूँ? यूनिट, तो केबी की यूनिट क्या है? जो आपका इब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट है सर, उसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट निकालते हैं, केबी किसके बराबर आएगा? डेल्टा टी बी डिवाइड बाय मोलिनिटी, अरे डेल्टा टी बी डिवाइड बाय, और डेल्टा टी बी किससे मेजर कर रहे हो आप? टेम्परेचर, मतलब केल्विन, अरे चेंज इन टेम्परेचर, डिवाइड बाय मोलिनिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स और पर केजी, मोल पर केजी, तो यूनिट क्या है सर? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर, क्लियर है? तो प्रॉब्लम आ देखो, यहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पहले इनका मतलब बताओ, सारी चीजों का मतलब बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेल्टा टी बी सर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी बी सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी बी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट, के बी क्या है सर? इब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, डब्ल्यू बी क्या है सर? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम बी क्या है सर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू क्या है सर? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यार इन ग्राम नोट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज मैं आपको क्वेश्चन कई करेंगे सारे जितने भी, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है चेक करो, क्या क्या पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वैरायटी होता है, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा एक चीज, कई क्वेश्चन में वो आपको डेल्टा टी की लिख के नहीं देगा, प्योर कंपोनेंट के लिए मेंशन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि सबको पता होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर सबको पता है, तो याद रखना है कि कभी भी आपका सॉल्वेंट वाटर ले ले, यदि ये टी बी नॉट मेंशन नहीं है तो सॉल्वेंट आपका क्या ले रखा है? वाटर, क्या ले रखा है अभी? वाटर, और वाटर के लिए जो डेल्टा सॉरी टी बी नॉट वो किसके बराबर आता है? इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर? मत होना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, आपसे क्या पूछता है डेल्टा, सॉरी एक तो टीपी पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना बड़ा, जब उसके अंदर एक्स अमाउंट ऑफ क्या करता हूं सॉल्यूट ऐड कर देता हूं, वाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट,
स्टार्टिंग बॉइल सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था इतना था, बाद का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछता है कि सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सीधा पूछता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यदि एक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया जाए वाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड पैरेंट में क्या पूछता है आपसे, कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट इतना एलिवेट हो गया, जैसे एक्स एलिवेट हो गया, तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, क्या पूछता है मास ऑफ सॉल्यूट जब आप डिसॉल्व करते हो, जो मास आपका आएगा डिसॉल्व कर दो इसमें, कुछ आपका वाई जेड कुछ भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू पूछ सकते हैं। और क्या पूछता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ